फुलपुर उपचुनाव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। फुलपुर सीट से लड़ने की तैयारी में कांग्रेस है, जल्द हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान। फूलपुर सीट को नेहरू गांधी की पारंपरिक सीट बताया जाता है। उधर समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार के चयन को लेकर मंथन में जुटी है। तो ये वो सीट है जिसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सामंजस्य बनता नजर हालांकि नहीं आ रहा था। इस सीट को लेकर खींचतान दिख रही थी। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर तैयारी लड़ने की तैयारी में है। पारंपरिक सीट कांग्रेस की से माना जाता है। तो वहीं यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई खींचतान नहीं है। उपचुनाव की 10 सीटों में से 5 पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सर, आप 5 सीटें की मांग कर रहे हैं कि जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पे वो हमको मिले, तो अभी ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, क्या कोई बात हुई है? नहीं, देखिए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव करके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया है। निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है और हम लोग जो 5 भारतीय जनता पार्टी की जो सीट रही है उस पर हम लोगों ने अपना दावा किया और निश्चित तौर से उस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। जो निर्णय वहाँ से आएगा मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, ये विश्वास हम। यानी कि इन 5 सीटों पे आपकी तैयारी चल रही है, क्या प्रत्याशी वगैरह भी तय हो रहे हैं क्या? ये मैंने कहा ना कि अभी सब चीज़ें निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग हमारे ऑब्जर्वर से लेकर हमारे कैंडिडेट हमारे सब लोग हम लोग उस पर लगे हैं दिन रात। हमारे देखिए सांसद जी बैठे, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक एक सीट चुन चुन के लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन फूलपुर की सर पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, उसको लेकर तो दावेदारी रहेगी, अन्य कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर दावेदारी रहेगी और क्या समाजवादी पार्टी ने जो अपने नेताओं को वहां पर तैयार कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत आती है तब क्या करेंगे? नहीं, बैठ के तय करेंगे, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ फुटअव्वल नहीं है कि योगी जी के कार्यक्रम में केशव मौर्या नहीं जाते, कि बाकी मुख्यमंत्री कोई डिप्टी सीएम नहीं जाते, आपस में इनके मतभेद हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई भी बात होती है हम लोग एक पारिवारिक भाव की तरह आपस में बैठ के तय करेंगे और मिलकर लड़ेंगे। और ये दावा है हमारा कि 10 की 10 जीतेंगे, 10 हराएंगे नहीं।